हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम हैं अभी प्रिया दीप दी के घर पे, और मैं अभी इस टाइम पे हूँ उनकी बालकनी में और बैठ गई थी क्योंकि बहुत जोर से हवा चल रही है, ये देखो। तो हम अभी बालकनी में हैं और मैं जा रही हूँ, मतलब मेरा अभी 5:30 बजे हमें निकलना है, रिजर्वेशन है, तो उसकी वजह से मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मतलब वैसे तो मैं नहा ली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दीदी से मैंने बोला कि प्रिया दीप चैनल के लिए चलो एक मेकअप लुक मतलब कर लेते हैं। तो दीदी बोली ठीक है। तो अभी दीदी वही देख रही हैं कि क्या कैसे पहनना है, और उसके बाद हम करेंगे एक मेकअप लुक, और उसके बाद बस कपड़े चेंज करेंगे फिर निकल जाएंगे, क्योंकि वही हमारे पास टाइम नहीं है। 2 बज गया है और हम लोग अभी तक सिर्फ अपने बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था बात करने का। बस आज ही थोड़ा सा टाइम मिला कि चलो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो करते करते हमको इतना समय हो गया और अब 2 बज गए हैं और मुझे हाउ एनी कंडीशन 3:30 बजे इधर से निकल जाना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और पिछले बार जो गलती की वो तो हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। तो इसी वजह से चलिए ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आई रियली होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो ये एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर। तो आप खा लो ना। कल सारा दिन जो है भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए। सो गाइज, मेकअप लुक हो गया है और दीदी बैठी हैं ये, और दीदी की तबीयत अब थोड़ी सी, काफ़ी देर से बैठी है ना, इस वजह से अनवेल फील कर रही हैं वो। लेकिन अभी हमने फ़ोटोज़ नहीं क्लिक की हैं, एंड मेरा ये जो एरिया है ना, लवेंडर आई एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो ये लेस बार बार इतना परेशान कर रही है। वैसे ही मेकअप में टाइम लग गया, ऊपर से ये लेस तो जान ही ले रही है, यहाँ से उखड़ उखड़ जा रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी फ़ोटो खिंच जाए, उसके बाद बस फिर फ्री है, तो मतलब सब रिमूव करना ही है, लेकिन तब तक हमें लग रहा है ये टिकी नहीं रहेंगी। और हमको ना अब सिर्फ आधा घंटा टाइम बचा है, और ये कह रहे हैं अगर बस लेट वो ट्रेन पे टाइम पे नहीं पहुँचे अब नहीं दौड़ेंगे, पिछली बार दौड़ लिया था अब नहीं दौड़ेंगे। तो कह रहा है लेके तो हम कैसे भी जाएंगे, लेकिन तुम याद रखना। मैं तो अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, लेकिन हमें भूख भी नहीं लग रही, पता दीदी नहीं लगी है क्योंकि हम लोगों ने बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था। भले ही मैंने कुछ शेयर नहीं किया, हम लोगों ने सैंडविच खाया था उसके पहले, नहीं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। ये लगा कि मेघा ने किया होगा। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा ये वाला फोन जो था मंस के पास था, जब मैं रिकॉर्ड करना था तो नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने नहीं किया कि मेघा की होगी उसकी। मैंने आज सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने जब ये मेकअप लुक करने का सोचा था ना उतने टाइम स्टार्ट किया था ब्लॉग बस। चलो सो गाइस, पूरे 3.5 घंटे के बाद हमने डिनर ऑर्डर किया जोमेटो से। सो यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका है। डिनर में क्या क्या है आप देख ही सकते हैं। सो गाइज, हम लोग ट्रेन में आ चुके थे, काफ़ी देर हो गया है और अभी तो मतलब रात हो गई है, वही 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा है कि नींद आने लग गई थी, बट फिर उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। तो खाने में है पनीर की सब्जी, और ये क्या है, मिक्स वेज है, और ये क्या है, ये क्या है, पनीर, ये डब्बा है, ये भी पनीर है, ये पंजाबी छोले, आलू छोले हैं, पनीर की सब्जी है, दाल है, सलाद है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला है स्वीट में, और बर्फी भी है स्वीट में, और पराठा रोटी मतलब ये है, और रायता तो है। तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है? भी नहीं है। और खाना खाने की इच्छा नहीं है, बट हमने कहा एक थाली ऑर्डर कर लो, दो भी मत करना क्योंकि पूरा खाना फेंक जाता है, खाना फेंकना अच्छी बात नहीं होती, तो इसीलिए थोड़ा सा खाना मंगा लिया है, बस खा के और सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और वहाँ से आने के बाद मन बहुत उदास था, इसलिए ब्लॉगिंग कुछ नहीं की, एकदम करेक्ट टाइम पे भी पहुँची थी, तो इस वजह से। सो चलो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बस सूत्र सेवा में, और यहाँ एमपी
पानी है, प्रिया जी दीदी यहाँ पानी नहीं था, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश, यहाँ लखनऊ में बिल्कुल पानी नहीं है। देखो आपको यहाँ देखो पूरे में पानी पानी दिख रहा है, बैक कैमरे से देखा। तो थकावट तो सच में बहुत ज्यादा हो गई है, ऊपर से पता है जगह जगह पानी भरा है, गड्ढे भरे हैं पानी से, इस वजह से बहुत ज्यादा लगता है कि मतलब रोड पर बस नहीं पानी चल रहा है। पापा से तो बात हो ही रही थी तो पापा बता ही रहे थे कि हाँ बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बट अभी देख के भी समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई है। ठीक है, मौसम ठंडा हो गया है, ये चीज़ की खुशी है, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है भाई, हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मैंने बोला यहाँ आ जाइए, घर जाके मैं आप लोगों से बात करूँगी। अभी क्या बोलते हैं, हम दीदी के यहाँ से तो आई गए थे, वो तो आप लोगों को पता ही है। और दीदी के यहाँ से आने के बाद तो दो तीन दिन मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की, मैं अपना रेस्ट ले रही थी और जो वीडियो थे वो मैं डाल रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये वीडियो जाने का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। वैसे निशिका स्कूल से आ चुकी हैं, जस्ट अभी वो आई है और कहती मैं बनाऊँ आपके साथ वीडियो। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, सो ये मेरे साथ अभी आ गई हैं, जाओ आप अपनी ड्रेस चेंज कर लो, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। सो मिशिका को दीदी छोड़ गई थी, मेरी जो ननन थी ना वो आई थी, वो इसको छोड़ के चली गई थी। और क्या बोलते हैं, दो तीन दिन से ये स्कूल जा रही, 4 तारीख से स्कूल चालू हो गए थे तो स्कूल भी जा रही है। बस सासू माँ का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात कर, मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा था और मैं अब उनसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि मुझे ये वीडियो एंड करना है ताकि मैं ये वीडियो जल्दी से पब्लिश कर पाऊँ। सो दीदी के यहाँ पे हम गए थे, दीदी ने हमें क्या गिफ्ट दिया, वैसे तो उन्होंने अपने वीडियो में दिखा ही दिया था लेकिन हम दिखा देते हैं अपनी तरफ से। सो दीदी ने मुझे ये साड़ी दी थी, एक लिफाफा दिया था जिसमें 1100 रुपये थे, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं मना कर रही थी कि पैसे वैसे मत दो प्लीज़, लेकिन वो कह रही थी हम मंथ के लिए कुछ नहीं ले पाए तो ले लेना, तो उसमें 1100 रुपये थे। बाकी दीदी ने हमें दी है ये वाली साड़ी, कुछ इस तरीके की साड़ी है ये देखिए, वो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी साड़ी है ये देखिए, येलो एंड रेड कलर है, कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है इसका। और बाकी मैंने बता ही दिया है, लिफाफा में उन्होंने दिए थे मुझे पैसे। सो ये था हमारा विदाई का गिफ्ट, हालांकि हम जब गए थे ना हम ज़्यादा कुछ ले ही, हम उनके लिए गिफ्ट नहीं ले पाए थे, क्योंकि हमारा जिस दिन हमारा जाने का था, अगर आप लोगों ने ब्लॉग जाने वाला ब्लॉग देखा होगा, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम मार्केट नहीं जा पाए थे। तो जैसे ही हम लखनऊ गए थे तो हमने दीदी को बोला भी था कि दीदी किसी को हमारे साथ भेज दो, जहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं हम ले आएंगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम कुछ, पर वो बोली नहीं नहीं, तो फिर हमने पैसे ही डाल दिए थे। और क्या बोलते हैं, उनकी मम्मी जो थी ना वो बोल रही थी हम एक एक्स्ट्रा साड़ी ले आए हैं तो तुम वो दे दो। तो अगर आपने हमें देखा भी होगा कि उनको हमने कुछ दिया है, तो वो उनकी मम्मी ने हमको दी थी, कहने लगी कि मतलब ऐसे तुमको अगर लग रहा है कि खाली हाथ नहीं करना है तो ये साड़ी दे देना, क्योंकि ये हमारे हमसे एक्स्ट्रा आ गई है। लेकिन मैं पर्सनली कोई गिफ्ट नहीं ले जा पाई थी, वो तो मैंने आगे के ब्लॉग में भी बोला था, तो इस वजह से पैसे ही बस डाल पाए थे और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, वो गिफ्ट पेंडिंग है, अब जब हम जाएंगे तो हम ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे अच्छा सा, और अब उनके लिए नहीं लेके जाएंगे, अब हमारे छोटे से छुटकू की बेबी के लिए लेके जाएंगे। सो बस हमारी तो यही दुआ है कि भगवान माता रानी एक छोटा सा बच्चा बेबी गर्ल हो जाए और दीदी जो हैं वो उनको मतलब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बेटा हो या बेटी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये है कि बेटी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बेटा हो चाहे बेटी हो उससे कोई मतलब इतना वो नहीं रहता, पर हाँ अगर बेटी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर एक होता है भाई बहन की जोड़ी बन जाएगी, है कि नहीं। सो बस अब तुम जानबूझ के हमसे ड्रेस निकलवा रही हो ताकि मम्मा वीडियो नहीं बना पाए, ऐसे तो खुद पहनने की जिद करती हो, बेल्ट खोल लो ना। चलिए, और ज़्यादा हम लोग बैठ उठ भी नहीं, ज़्यादा हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई, बहुत इमोशनल मोमेंट था जब हमने मतलब हमारा वहाँ से आने का हुआ, और जो कि आपने दीदी के उसमें देख लिया होगा, क्योंकि दीदी ने रिकॉर्ड कर लिया था उस टाइम पे मेरे, तो मतलब मैं तो
बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी, बहुत ही। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था, लेकिन हाँ मैं बहुत इमोशनल। कई बार क्या होता है ना कि कुछ बातें हम नहीं मुंह से बोल पाते हैं, बट हमारे इमोशंस जो होते हैं वो निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा जहाँ पे भी रिश्तेदारी में जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली हमेशा ससुराल तरफ जाती हूँ। मैं मायके तरफ तो मेरा कोई भी नहीं है, मतलब मैं मायके साइड के लिए मैं किसी सिंगल पर्सन के आने जाती हूँ। और मैं दीदी और मेरी जो वाइफ है वो एक तरीके से बहनों वाली है, तो हमें एकदम फील होता है, वो बहनों वाली चीज़ फील हो जाती है, और बस वो जो इमोशंस होते हैं वो बहने लगते हैं। और मैं बस यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है हम लोगों का 3-4 ये जो 4 साल का रिश्ता है ना, ये इतना मतलब आसान तो नहीं था। कई बार हमारे बीच में भी बहुत खटास आई है, और कई बार ऐसा लगा कि टूट गया है, सब खत्म हो गया है, लेकिन हमने कभी पब्लिकली नहीं किया कि ये और ऐसा और वैसा, क्योंकि वो हम नहीं चाहते थे कभी भी। लेकिन हाँ, कहते ना कि अगर रिश्ता सही मतलब अगर रिश्ता अच्छा है और दोनों लोगों की चॉइस का है, मतलब दोनों चाहते हैं चलाना, तो बड़े से बड़े झगड़े भी ना सॉल्व हो जाते हैं। हमारे बीच में तो बहुत छोटी छोटी बातें हुई, बट बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं अगर दोनों इंसान की चाह है एक रिश्ते को निभाने की, है कि नहीं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी चलो, आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। आई रियली रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।